हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। और हमारा आज का वीडियो है सरोजनी मार्केट हॉल वीडियो। मैं कुछ दिन पहले ही सरोजनी मार्केट गई थी, तो वहां से मैं बहुत कुछ लेकर आई हूं, तो मैं उसी का वीडियो बनाने वाली हूं। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास पहला ये है इयररिंग्स। मैं आपको इयररिंग्स में जितनी भी चीज़ें वो मैं दिखाऊंगी। तो हमारा फर्स्ट इयररिंग है ये दिस। ये बहुत ही प्यारा इयररिंग्स है। मैंने कुछ दिन पहले ही से पहना था। इतना सुंदर लगता है एथनिक में, इतना प्यारा है। और ये मुझे सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़ में मिला है। जब आप सरोजनी एंटर करोगे ना, उसके सामने छोटे से स्टॉल लगा रखे थे भैया ने, वो वीडियो बनाने बिल्कुल नहीं दे रहे थे, तो मैंने वहीं से 2 इयररिंग्स लिए हैं 50 में। वो 50 ईच बेच रहे थे, तो उनमें कुछ इसी टाइप्स के ये पर्ल्स वाले और डिफरेंट डिफरेंट पर्ल्स में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में ही इयररिंग्स मिल रहे थे, और सबके प्राइजेस जो है 50 रुपीज़ थे। सो मैं आपको इसे पहन कर दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है ना ये, मतलब एथनिक के साथ इतना इतना प्यारा लग रहा है, मैं बता नहीं सकती हूँ। मैंने इसको सूट के साथ पहना था, कॉटन सूट के साथ, ये बहुत अच्छा जा रहा था उसके साथ, और ये सच्ची में बहुत प्यारा है। 50 रुपीज़ में मतलब बेस्ट डील था। सो मैंने वहीं से एक दूसरा इयररिंग भी लिया था जो कि 50 रुपीज़ में ही था, और ये है कि मुझे कुछ डिफरेंट लगा, तो मेरे को पता नहीं मैं इसको किस चीज़ में पहनूंगी। मुझे इसका स्टाइल करने का कुछ समझ नहीं आ रहा, बट मैं डेफिनेटली इसे किसी चीज़ में स्टाइल करूंगी, और ये बहुत बहुत सुंदर लग रहा है। मैं आपको इसे भी वेयर करके दिखाती हूँ। और ये भी 50 रुपीज़ में मैंने सेम शॉप से लिया है। सो ये दोनों 50 रुपीज़ के थे। मैं आपको इसे पहन के दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हो ये कितना सुंदर लग रहा है। इसे आप एथनिक के साथ भी पहन सकते हो, आप इसे वेस्टर्न के साथ भी पहन सकते हो, ये सबके साथ जाएगा। ये बहुत ही प्यारा पीस था, और मुझे मतलब देखते ही मुझे बहुत अच्छा लग गया था कि मुझे ये लेना है। सो मैं डेफिनेटली इसे किसी ना किसी के साथ स्टाइल करूँगी, और मैं आपको इसे पहन के दिखाऊँगी। सो ये 50 रुपीज़ में था। ये दोनों इयररिंग्स मेरे लिए बेस्ट डील थे जो मैंने वहाँ से लिया था। तो हमारे पास नेक्स्ट इयररिंग है, वो है ये दिस। ये पर्ल्स तो नहीं है, ना ही वो सी शेल जो होते हैं, ना ही वो भी है। ये कुछ प्लास्टिक का बनाया हुआ है, उस पर कट लगाया हुआ है, कुछ इस तरीके के इयररिंग्स हैं। ये मुझे 30 रुपीज़ में मिला, 30 पे ही सारी इयररिंग्स बेच रहे थे। सो मैंने वहीं से ये लिया है, 30 रुपीज़ पे है। मैं आपको इसे ही पहन के दिखाती हूँ। आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है ना ये दो। ये भी एथनिक और वेस्टर्न दोनों में चला जाएगा, और ये सच में बहुत प्यारा पीस है। मैंने जितने भी इयररिंग्स लिए, कुछ मैंने सोचा था कि कुछ डिफरेंट लूँ, कुछ हटके लूँ जो मेरे पास नहीं है। सो इसलिए मैंने कुछ अलग अलग पीसेस उठाए हैं जो मैंने पहले नहीं पहने थे, क्योंकि मुझे कुछ अलग ट्राई करना था, और मुझे सच में बहुत प्यारा लगा था। और फिर मैंने एक और वहीं से लिया था 30 रुपीज़ में, जो ऑक्सीडाइज वाले जो इयररिंग्स होते हैं ना, मैंने ये लिया था 30 रुपीज़ में। ये भी बहुत सुंदर सा है, ये कुछ टेम्पल टाइप का बना हुआ है, और हैवी है वेट इसका। ऐसा नहीं कि लाइट वेट है, ये काफ़ी हैवी है। और ये 30 रुपीज़ में पड़ा, क्योंकि मुझे ना ऑक्सीडाइज लेने थे, बट कुछ मुझे स्मॉल में लेना था, मतलब बहुत बड़ा ऑक्सीडाइज इयरिंग नहीं लेना था, मुझे छोटे ऑक्सीडाइज इयरिंग्स लेने थे। तो इसलिए मैंने इसे परचेज किया। ये मुझे बहुत प्यारा लगा, मैं आपको इसे पहन के दिखाती हूँ। और इसका प्राइस भी सिर्फ 30 रुपीज़ है। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है ना, छोटा सा। ये एथनिक के साथ बहुत प्यारा जाएगा, ये बहुत सुंदर लग रहा है। छोटा सा इयररिंग है और काफ़ी प्यारा है, इसमें मतलब डिज़ाइन की बहुत सुंदर है, मुझे ये बहुत प्यारा लगा। तो नेक्स्ट आइटम है हमारे पास ये इयररिंग, जो कि बहुत ही क्यूट है, और ये हमें 50 रुपीज़ में पड़ा। ये काफ़ी डिफरेंट था, इसलिए हमने इसे लिया, और मैं आपको इसे पहन के दिखाती हूँ। ये बहुत ही अलग और बहुत ही प्यारा लग रहा था। इसमें जो डिज़ाइन है आप वो देख सकते हो, ये इसमें कुछ लकड़ी का ये वर्क किया हुआ है, और ऊपर में छोटे छोटे ये पर्ल्स लगाए हुए हैं। सो ये बहुत ही क्यूट लग रहा था, काफ़ी डिफरेंट लुक दे रहा है, तो बहुत ही सुंदर सा है। तो अब मुझे ये इयररिंग्स पड़ा 50 रुपीज़ में। सो उसके बाद नेक्स्ट आइटम है हमारे पास ये चेन नेकलाइन, जो कि हमने 2 लिए। ये पड़ा मैं 50 रुपीज़ में, 2 25 ईच। इसमें हम डिज़ाइन देख सकते हो, एक ब्लैक इस साइड से ब्लैक में बटरफ्लाई बना हुआ है, और ये बियर की शेप में है। सो काफ़ी ये प्यारा लग रहा था। सो ये 50 में हमें 2 पड़ा, 25 रुपीज़ ईच पड़ रहा था। एंड उसके बाद नेक्स्ट आइटम है हमारे पास ये बैंगल, जो कि कुछ इस तरीके से है। ये हमें पड़ा 100 रुपीज़, वो 150 के अराउंड कोट कर रहे थे। मैं आपको इसे पहन के दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरीके से पहनना होता है, और आप देख सकते हो ये
ये कितना प्यारा लग रहा है ना, ये एथनिक के साथ ये बहुत ही सुंदर जाएगा और ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो इसी ये हमें 100 के अराउंड पड़ा, मतलब 100 पड़ा, ये 150 कोट कर रहे थे बट हमने इसका 100 दिया, तो ये बहुत ही सुंदर है। फिर नेक्स्ट हमने जो लिया बहुत सारा ये क्लचर लिया, एक कोई शॉप थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्लचर और हेयर बैंड्स और ये सब चीज़ें मिल रही थी, सो हमें काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो क्लचर तो वैसे मेरे पास बहुत सारे हैं बट फिर भी मैं कहीं जाती हूँ तो अगर क्लचर अच्छा लगता तो मैं हमेशा एक दो ले ही लेती हूँ। सो हमने ये 4 कलर्स में लिए डिफरेंट, ये कुछ इस टाइप के पैटर्न्स में आप देख सकते हो, इसमें जिग जैग करके पैटर्न बना हुआ है। सो इसमें मैं 2 डिफरेंट कलर्स लिए और फिर ये हमने एक ट्रांसपेरेंट कलर वाले में ब्लू कलर का, इसमें बहुत सारे कलर थे। सो ये हमें एक पड़ा 30 रुपये में। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे छोटे आइटम्स में ये सॉक्स, जो कि वो पहले तो 2 का कह रहे थे 100 रुपये बट फिर वो फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, 5 वो हमें 100 रुपये में उन्होंने दिया। तो हमने 5 डिफरेंट कलर्स लिए, ब्लू, पिंक, डीप ग्रीन, मिंट ग्रीन और ये थोड़ा सा पीच कलर में। सो मैं ये 5 सॉक्स लिए क्योंकि समर आ गया, तो काफ़ी कलर भी बहुत प्रिटी लग रहे थे, थोड़ा सा कुछ लेने का इंटेंशन नहीं था बट स्टिल उन्होंने 5 दे दिया 100 में, तो हमने कहा कि ठीक है हम ये ले लेते हैं। तो ये काफ़ी प्यारे लग रहे थे, तो हमने ये 5 डिफरेंट कलर्स में लिए। एंड फिर उसके बाद हमने लिया नेल पेंट, जो कि ये 2 कलर लिए डिफरेंट, क्योंकि ये कलर्स मेरे पास नहीं थे तो मैंने इसलिए कलर लिया। ये पहले 20 में मिलता था मार्केट में बट अब उनका उन्होंने इसका 25 रुपये कर दिया रेट, तो मतलब अब हमने 2 लिया, वो 100 का 4 कह रहे थे बट हमने 50 के 2 लिए कि बाकी कलर हमें इतना समझ नहीं आ रहा था, तो हमने 2 लिया। और फिर एक हमने लिया 50 में एक, जो कि ये मैट भी है और इसमें ना ब्लैक कलर के ना छोटे छोटे दाने टाइप के दिखते हैं, अगर आप नेल पेंट लगाओगे तो कुछ अलग टाइप के बना हुआ ना पैटर्न, इस पैटर्न के टाइप के वो नेल पेंट आते हैं, तो डिफरेंट था इसलिए हमने इसे लिया। तो ये हमने 3 नेल पेंट्स लिए। उसके बाद हमारे पास है स्लीपर्स, एक ही जगह से हमने 3 स्लीपर लिए। तो पहला है ये, इसका तो ये है ना फॉर्म, ये बहुत ही अच्छा है, मतलब ऐसा नहीं है कि सरोजनी मार्केट से आप लेते हो तो वो बहुत ही टाइट होता है, स्टिफ हो जाता है, तो जिसकी वजह से आपके सोल में पेन स्टार्ट होती है, बट इसमें ये प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्पॉन्ज है इसमें। तो वो फिक्स प्राइस था उस शॉप में, तो उन्होंने हमें 250 में एक दिया, मतलब हमने इसमें से 3 लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये एथनिक पे लिया है, इसका थोड़ा टाइट है, मतलब ये इसे आप बहुत ज़्यादा देर तो नहीं पहन सकते, आपके सोल पे पेन स्टार्ट हो जाएगा, बट लुक बहुत प्यारा आ रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। सो हमने ये 3 लिया, मैं आपको थर्ड भी दिखा देती हूँ, कलर इस बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा कलर है। मैं बहुत टाइम से ऐसे लेवेंडर कलर में स्लीपर ढूंढ रही थी, वो मुझे वहाँ पे मिल गया और इसका स्पॉन्ज सच में बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट है, इसे मैंने पहना है बट और पहनने बाद बिल्कुल ही दर्द नहीं हुआ सोल पे। सो ये हमें 3 पड़ा 250 ईच पे, सो हमें 750 रुपीज़ इसके दिए हैं, ये काफ़ी अच्छा लग रहा था पहनने के बाद। सो अब हम आते हैं टॉप्स के कलेक्शन पे, जो हमने टॉप्स खरीदे हैं। सो ये पहला टॉप है हमारा कुछ इस तरीके के कलर में, जो अभी बहुत चला हुआ है, ब्लू स्काई ब्लू कलर में। सो थोड़ा कपड़ा थोड़ा ट्रांसपेरेंट सा है, पतला भी है बट मटेरियल बहुत सुंदर लग रहा है, मतलब प्यारा बहुत लग रहा है कलर इसमें। ये टॉप में ना आप इधर देखोगे तो ये इसे शॉर्ट भी कर सकते हो, इसमें ऐसे खींचने का है, तो इससे कि ये टॉप आपका शॉर्ट भी हो जाएगा, मतलब क्रॉप टॉप भी आप इसे बना सकते हो और इसे लॉन्ग टॉप भी रख सकते हो। स्लीव्स फुल स्लीव्स में है और वहाँ पे फिक्स प्राइस चल रहा था, उन्होंने रेट बिल्कुल कम नहीं करा, मतलब 250 तो 250 ही का था। सो हमने ये टॉप 250 में लिया है। मैक्सिमम जगह ना अभी सरोजनी में ये हो गया है कि वो आप बार्गेन करना नहीं कर नहीं पा रहे हो, क्योंकि वहाँ पे ना उन्होंने फिक्स प्राइस वाले जो बोर्ड्स होते हैं उन्होंने वो लगा रखा है, सो आप बार्गेन नहीं कर सकते, आपको अगर जो लिख रखा है आपको वही पे करना पड़ेगा। तो चीज़ें थोड़ी महंगी हो गई है सरोजनी में एज़ कम्पेयर टू पहले के मार्केट में, जो कि आप आराम से इजीली बार्गेन कर सकते हो, अगर उन्होंने 300 कोट किया तो आप उसे 150 के अराउंड ले सकते थे, बट अब ऐसा नहीं है, अगर उन्होंने 250 कह दिया तो 250 में ही आपको मिलेगा, क्योंकि उन्होंने फिक्स प्राइस वाली बोर्ड लगा रखी है और बिल्कुल बार्गेनिंग नहीं करते हैं वो। सो हमारे पास नेक्स्ट है ये टॉप, ये ऐसे पूरा ये प्रिंट है इसका सेम, इस टाइप का ये प्रिंट में है और मुझे कलर की वजह से ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, और ये बहुत चला हुआ है स्काई ब्लू या फिर थोड़े लाइटर कलर्स में, और इसमें जो वाइट का जो प्रिंट है ना फ्लावर प्रिंट, ये बहुत सुंदर लग रहा है। तो ये कुछ टॉप ना ऐसे बांधने वाला है, मतलब इसकी जो मैं आपको इसके पहले ये दिखाती हूँ स्लीव्स, ये स्लीव्स थोड़ा लूज़ है, मतलब आप यहाँ से
फैला हुआ स्लीव्स है और स्लीव्स आपके यहाँ तक आते हैं और इसमें ये सब बांधने वाला है, मतलब इसे आप घुमा के ऐसे क्रॉप टॉप बना के पहन सकते हो। इसे अगर आपको लग रहा है कि क्रॉप टॉप में नहीं चाहिए, थोड़ा लेंथ भी निकालना है तो आप इसे लेंथ भी कर सकते हो। सो ये ओवरऑल बहुत प्यारा लग रहा था, ये 250 में पड़ा। एंड इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है ये ब्लैक कलर का क्रॉप टॉप, जो कि बहुत सुंदर लग रहा था। इसकी जो ये स्लीव्स आप देखोगे ना, ये क्लियर वाले, मतलब ये यहाँ पर खुला सा है और ये इसमें जो ये प्लास्टिक लगी हुई है, तो यहाँ पे जो क्रॉप बनता है ये बहुत सुंदर लगता है। और इतना ये प्रिटी लग रहा था ना क्रॉप टॉप, इतना खूबसूरत सा क्रॉप टॉप दिख रहा था। सो ये भी हमें 250 पड़ा। सो मटेरियल भी बहुत प्यारा है, ऐसा नहीं कि बहुत ही चीप क्वालिटी वाला मटेरियल है। सो ओवरऑल ये सही लगा, मतलब सही पड़ा हमें। नेक्स्ट है हमारे पास ये क्रॉप टॉप, जो कि बहुत ही सुंदर सा है, बहुत प्यारा लग रहा है बॉडी पे, आप देख सकते हो साइड में वीडियो पे, या इसे आप किसी के साथ भी स्टाइल कर सकते हो। इसमें ये फर वाले हैं, मतलब ये इसमें जो टैग लगा हुआ है आप टैग देख सकते हो, टैग इसमें फॉरएवर 21 का है और मुझे लगता है कि ये उसका ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है, क्योंकि मटेरियल काफ़ी स्मूथ है, बहुत सॉफ्ट है और पहनने के बाद ये बहुत क्यूट लग रहा था, बॉडी भी इतनी अच्छे से ये फिट हो रहा था और इतना सुंदर लग रहा था। इसे आप किसी के साथ भी स्टाइल कर सकते हो, आप इसे ऐसे भी पहन सकते हो जीन्स के साथ, क्योंकि ये प्रॉपर क्रॉप टॉप वाली लुक दे रहा था। सो ये ओवरऑल बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है, मटेरियल भी इसका बहुत सुंदर है। ये मुझे 250 के अराउंड वोट कर रहे थे, बट मैंने इसका दिया है 150 आफ्टर बार्गेनिंग, आफ्टर सो मच बार्गेनिंग, तो मुझे ये पड़ा 150 में। तो आप देख सकते हो ये लूज टी शर्ट है, कलर भी जो चला हुआ है बहुत ही ब्लू कलर में, सो हमने इसी कलर पर लिया है। और इसमें ये ज़ारा का इन्होंने टैग लगा रखा है और ये लूज वाले टी शर्ट्स हैं जो फ्री साइज वाले, तो इस हमें बहुत ही अच्छा लगा। ये एक्चुअली ये मेन सेक्शन का था, ये मेन्स वाले टी शर्ट है, बट ये बहुत सुंदर लग रहा था सो इसलिए हमने इसे लिया। एक हमने ये लिया है और दूसरा हमने इसे पिंक में लाइनिंग वाले कपड़े में लिया है। तो ये दोनों बहुत सुंदर लग रहा है पहनने के बाद, इनका जो फैब्रिक है वो बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है और लुक भी बहुत सुंदर आ रहा है। सो हमें ये दोनों मिला के पड़ा 200 ईच, वो उन्होंने वही फिक्स प्राइस वाले पे लगा रखा था तो हमें 200 ईच का पड़ा। सो अब हमारे पास नेक्स्ट आइटम है ये शर्ट, ये शर्ट है जो कि इस पर इन्होंने कुछ एंको का टैग लगा रखा है, तो कलर ऑलिव ग्रीन कलर है, उस कलर में ये शर्ट है। सो इसे आप एज अ स्क्रग टाइप से भी यूज़ कर सकते हो, खोल के भी पहन सकते हो, क्योंकि थोड़ा ये लूज शर्ट है और इसमें पॉकेट्स भी है और इसकी जो इसका जो मटेरियल है ना बहुत सॉफ्ट है, बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि ये सरोजनी का थर्ड क्लास वाला माल है। तो ये काफ़ी सुंदर लग रहा है, मटेरियल बहुत प्यारा है और पहनने के बाद ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। इसमें जो भी स्लीव्स है इसमें लॉक वाले बटन्स भी दिए हुए हैं, सो दैट कि आप इसको अच्छे से फोल्ड करके लॉक कर सकते हो, इसे खोल के भी पहन सकते हो। तो ये भी हमें पड़ा 250 रुपीज़ में। सो आज के लिए वीडियो पे इतना ही, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मुझे आप इंस्टा एंड फेसबुक पर भी फॉलो भी कर सकते हो, मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।